कराची में खून की बढ़ते ही चमड़े की जैकेट्स की मांग में इजाफा हो गया। ठंड से महफूज रखने वाली चमड़े की ये जैकेट्स बनती कैसे हैं, देखते हैं करीम मलिक की रिपोर्ट। भेड़ बकरी और गाय के चमड़े से जैकेट बड़ी महारत और नफासत से तैयार की जाती है। इस काम में 3 से 4 दिन सर्फ होते हैं। लेदर होती है खाल की, उसकी धुलाई की जाती है, फिर उसके बाद वो मशीन पे जाती है, केमिकल लगते हैं, डाइंग होती है, डिफरेंट कलर्स बनते हैं लेदर के। पहले चमड़े को मुख्तलिफ साइज और डिजाइन में काट कर सिलाई की जाती है, फिर डाइनिंग का मरहला आता है। कलर इसमें सब है, तकरीबन येलो है, ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, सब कलर होते हैं इसमें। कराची में ज्यादातर जैकेट्स में भेड़ का चमड़ा इस्तेमाल होता है। कारीगरों का कहना है महंगाई की वजह से पहले जैसा काम नहीं रहा। काम पे तो असर है ना, ये सीजन वाइज काम है। अब सीजन को तो डिपेंड, अगर पाकिस्तान पे या कराची पे करते हो, कराची में तो सर्दी नहीं है। पाकिस्तान में बनी चमड़े की ये जैकेट्स बैरून मुल्क भी अपनी कम कीमत और उम्दा मयार की वजह से मकबूल है। लेदर जैकेट को बनाने में वक्त और मेहनत दोनों ही दरकार है, उसके बाद ही इसको बिकने के लिए मार्केट में लाया जाता है। लेकिन यहाँ के दुकानदारों को यही कहना है कि बिगड़ते माशी हालात की वजह से ये काम शदीद मुतासिर हुआ। कैमरामैन अदनान के साथ करीम मलिक, आज न्यूज़ कराची।